बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज। कराची एसएसपी की माड़ी फिदा जावरी की खसूसी हिदायत पर एसएचओ डॉक्स परवेज अली सोलंगी ने मंशियात फरोज लाल दादर लियारी स्कूल की चौकीदार अनिल मेमन, जो पीले सहील मेमन की सरपरस्ती जुआ का अड्डा लियारी में चलाता था। एसएचओ परवेज ने मस्कूरा जुए सट्टा के अड्डे पर एसएसपी की माड़ी के अहकामात पर छापा मार कार्रवाई के दौरान चार जुआरी को पकड़ लिया। मोतबर जराए ने बताया है कि जुआ सट्टा चलाने वाले दोनों सरगने, जिनमें अनिल मेमन और लाल दाद खान, एसएचओ परवेज के खिलाफ बयान देने लगे। आरएनएन न्यूज ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्ला के मुताबिक वापडा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तंजीमी अहदेदारान का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सीबीआई के सदर अब्दुल लतीफ निजामानी की ज़ेर सदारत इजलास लेबर हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें कायद मजदूर लतीफ निजामानी ने खिताब में कहा कि हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों का मलबा मजदूर पर डालकर इदारे की नजाकारी चाहती है, जिसे हम हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि जहां 10,000 अफराद की जरूरत है, वहां 4,000 मजदूर हैं। ड्राइवर हमारे पास नहीं, LS हमारे पास नहीं, हिफाजती सामान हमें नहीं दिया जाता, पर बिजली चोरी की जिम्मेदारी हम पर डाली जाती है। ऐसा नहीं कि मजदूर अपनी जान देता है, माजूर होता है पर हराम या चोरी में मुलविस नहीं होता। लतीफ निजामानी ने कहा कि इस्लामाबाद भरने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है और हमने आज साबित कर दिया कि हम तंजीमी तौर पर मजबूत हैं और हुकूमत से माजी की तरह अपने जायज मुतालबात मनवाएंगे। इजलास के सूबाई रहनुमा इकबाल अहमद खान, मोहम्मद आजम हनीफ खान, रियासत कायम खानी रेहान इकबाल और मलिक सुल्तान ने भी खिताब किया और कायद को हर कदम पर शाना बचाना चलने का ऐलान किया। इजलास में सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और अपने मुतालबात के लिए नारेबाजी भी की। आरएनएन न्यूज ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्ला के मुताबिक हैदराबाद बल्दिया पुलिस की कार्रवाई, 6 मुलजिमान असला चरस और 3 कारों समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दौराने चेकिंग न्यू रोड बाईपास के करीब 2 मशकूक कारों को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर कार में सवार मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 मुलजिमान बनाम फैज मोहम्मद खोसा, जफर अली खोसा और अमानत अली खोसा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी कार में सवार 4 मुलजिमान गुलाम मुहिद्दीन खोसा, राशिद अली खोसा, नादिर अली खोसा और जहीर खोसा पुलिस पर फायरिंग करते हुए कार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान में जफर अली खोसा के कब्जे से 1 किलो 40 ग्राम चरस, जबकि मुलजिम फैज मोहम्मद खोसा के कब्जे से 1 अदद राइफल बमा 2 गोलियां बरामद हुई। बल्दिया पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बरामद कार टोयोटा क्रोला और आल्टो कार तहवील में ले लिया और मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। दूसरी कार्रवाई में बल्दिया पुलिस का नाना बाबा दरगाह कब्रिस्तान नेशनल हाईवे रोड हाला के करीब 1 मशकूक कार को रोकने के बाद मुलजिमान से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में 3 मुलजिमान सज्जाद रखियो, आशिक अली खोसा और कल्ब अली खोसा गिरफ्तार, जबकि मुलजिमान के दीगर 2 साथी दीदार खोसा और अली गुलाम खोसा मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। आरएनएन न्यूज खानपुर प्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक चोर बेलगाम सरकारी इदारे भी गैर महफूज हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से ECG मशीन चोरी हो गई। दो नामालूम चोरों ने चेहरे पर मास्क लगाकर इमरजेंसी वार्ड से चोरी की। चोरी की सीसीटीवी फुटेज आरएनएन न्यूज को मौसूल होगी। फुटेज में दोनों चोरों को वाजे तौर पर देखा जा सकता है। नामालूम चोरों को ट्रेस करके रिकवरी की जाए। MS डॉक्टर खान वजीर याद रहे कि इससे कबल भी LCD चोरी हो चुकी है, जिसके मुलजिम आज तक ट्रेस नहीं हुए। शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर कंट्रोल के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए शहरी हल्के। आरएनएन न्यूज ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्ला के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल एंड लॉ एनफोर्समेंट INL प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल जेल हैदराबाद के अफसरान के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कायम। वजीर आला सिंध ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। अमरीकी इदारा INL सिंध हुकूमत के साथ जेल के अमले में असलाहत पर 2012 से काम कर रहा है, जिसने जेल के अमले की तरबियत के लिए सेंट्रल जेल हैदराबाद में इंस्टीट्यूट कायम किया है। गुज़िश्ता 10 सालों में INL इदारे के तहत सिंध के होम सेक्रेटरीज, IGs और DIGs कोलोराडो से तरबियत हासिल कर चुके हैं। 2014 में अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ने सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया था और इस दौरे में असिस्टेंट सेक्रेटरी ने सिंध में जेल के अमले की तरबियत के लिए इंस्टीट्यूट कायम करने का ऐलान किया था। इंस्टीट्यूट में हर साल 600 जेल के अलमदार तरबियत हासिल करेंगे।
वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंस्टीट्यूट के लिए कंप्यूटर और दीगर तरबियती सामान की खरीदारी का बंदोबस्त किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तश्कील दिया गया है। पिम्स सिंध के जेलों के असलाहत में एक आर्मी मयार का सिस्टम होगा, जिसके तहत मुलाकातियों का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मुलाकात के लिए आने वाले हर फर्द के रिकॉर्ड का बायोमेट्रिक होगा। नए सिस्टम के तहत हर कैदी को ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सहूलत होगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि हमने जेल सिस्टम में बड़े असलाहत किए हैं। हुकूमत सिंध जेलों को फ्रैक्शन हाउसेज में तब्दील करने पर काम कर रही है। असलाहत का मकसद जेल में आने वाला कैदी तालीम याफ्ता और हुनरमंद होकर निकले। इन्होंने कहा कि असलाहत से पहले जेलों से लोग मजीद क्रिमिनल बनकर निकलते थे। अमरीकी हुकाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जेल असलाहत में तआवुन किया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंस्टीट्यूट कायम करने पर महात्मा जेल को भी मुबारकबाद दी और कहा कि उम्मीद है महात्मा जेल इन असलाहत से फायदा उठाएंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला सिंध के मशीर बराए जेल खाना जात मीर एजाज जाखरानी, अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रूथ, सूबाई वजीर जाम खान शोरो, सगीर कुरैशी, आईजी जेल खाना जात काजी नजीर, कमिश्नर अब्बास बलोच, डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो, एसएसपी साजिद अमीर समेत मुतल्लिका हुक्काम मौजूद थे। आरएनएन न्यूज कानपुर क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में असदुल्ला मस्तोई एक बार फिर पहले नंबर पर हैं, जिसको सराहते हुए और कारकर्दगी की बुनियाद पर एसपी इन्वेस्टिगेशन दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने इनाम और तारीफी सनद से नवाजा। असदुल्ला खान मस्तोई थाना सदर खानपुर में तैनात है और जब से वो आए हैं जुराइम में खातिर ख्वाह कमी वाकई हुई है और मंशियात फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैक डाउन करते हैं, जिससे नौजवान और शहरी इलाका इनके इस अकदाम को तहसीन की नज़र से देखते हैं। मजीद आरएनएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने जुर्म करने वाले लोगों से नफरत का इजहार किया और एक बार फिर वार्निंग दी कि जो लोग जुर्म करते हैं वो छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ जाएं और शरीफ शहरी और मुहिब वतन होने का सबूत दें। तफसील के मुताबिक मोहतरम एसपी रहीम यार खान दोस्त मोहम्मद साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर असदुल्ला मस्तोई साहब को नकदी इनाम और शाबाश से नवाजा।